जी हाँ दोस्तों, टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी काफी चर्चाओं में हैं इन दिनों अपनी तेज तर्रार गेंदबाजी को लेकर। लेकिन आप सभी को बता दें, उनकी वाइफ हसीन जहां भी दोस्तों अब भी मोहम्मद शमी के साथ उनका नाम जुड़ता है। भले ही दोनों एक दूसरे से काफी सालों से अलग रह रहे हैं, उनकी बेटी यानी हसीन जहां के साथ ही रह रही है शमी की बेटी, लेकिन फिर भी हसीन जहां और शमी को लेकर कई बार सोशल मीडिया पर घेराव किया जाता है। खासकर हसीन जहां को जब भी कोई पोस्ट करती हैं, वो एक्टिव भी काफी रहती हैं। जब भी कोई पोस्ट वीडियोस उनके सामने आते, कोई स्टोरी लगाती हैं, तो कमेंट सेक्शन भर जाते हैं इसी बात को लेकर कि शमी भाई से माफी मांग लो, उनके साथ वापस चले जाओ, शमी के साथ फिर से रिश्ता बना लो। लेकिन आप सभी को बता दें, खबर यह है कि इन दोनों का तलाक अभी तक नहीं हुआ है। ये दोनों एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू सोर्सेस तलाक नहीं हुआ है। लेकिन जो सच्चाई यह है दोस्तों कि हसीन जहां का अपने पहले पति से तलाक क्यों हुआ था, क्यों वो उनसे अलग हुई थी, बल्कि उससे तो प्यार करती थी। किराना स्टोर का एक मालिक था जिससे उनको प्यार हुआ था, फिर उसी के साथ शादी रचाई थी, तो क्यों अलग हुए थे प्यार होने के बावजूद भी। सच दोस्तों काफ़ी दंग कर देने वाला है, जो कि हसीन जहां को मतलब काफ़ी कुछ उनके बातों को लेकर सामने उजागर करता है। उन्होंने पहला निकाह अपने क्लासमेट से साल 2002 में किया था, जहाँ के पहले पति का नाम शेफ सैफुद्दीन था। ये दोनों की क्लास 10 से एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों ने 2002 में निकाह किया और 2010 में जहां और सैफुद्दीन ने तलाक ले लिया। हसीन जहां की सैफुद्दीन से दो बेटियां भी हैं, जिनका पालन पोषण सैफुद्दीन ही करते हैं। अब दोस्तों यहां पर पहले पति से तलाक के 4 साल बाद वो मोहम्मद शमी से मिली, उनसे प्यार हुआ, फिर उनसे शादी हुई। लेकिन हसीन जहां के पहले पति का कहना है कि उनकी पूर्व पत्नी यानी कि हसीन जहां एक महत्वाकांक्षी महिलाएं हैं। वो एक जगह रुक के रहने वालों में से नहीं है, वो अपने पैरों पर खड़े होकर कुछ करना चाहती थी। लेकिन सैफुद्दीन का ये कहना था, हमारे यहाँ महिलाओं को नौकरी करने की इजाज़त नहीं है। यहाँ तक कि एक वजह ये भी रही थी कि हसीन जहां को आपने देखा ही होगा मॉडलिंग की दुनिया में कितनी आगे नाम कमाती जा रही हैं, और आप जानते हैं मॉडलिंग की दुनिया से कैसा नाता जुड़ता है, कैसी बातें सामने आती रहती हैं। यही वजह है कि सैफुद्दीन इनको आगे भेजना नहीं चाहते थे। अब दोस्तों इनके पहले पति से इसी वजह से रिश्ता टूटा था, क्योंकि वो आगे बढ़ना चाहती थी। और जब देखा जाए, जब रिश्ता टूटा, तलाक हुआ, तो जो दोनों बेटियां थी वो सैफुद्दीन के साथ ही रहने लगी। और हसीन जहां के बारे में जब शमी को पता चला कि हसीन जहां हैं और वो एक चीयर लीडर थी उसमें कोलकाता नाइट राइडर की, और वो एक मॉडलिंग की दुनिया में भी अपना नाम कमा ही रही थी, तभी शमी को उनसे प्यार हुआ, शादी हुई। लेकिन जब शमी के सामने कड़वे सचाने लगे मोहम्मद शमी हसीन जहां को लेकर, तो मोहम्मद शमी भी दंग रह गए। फिर इनके बीच आपसी विवाद बढ़ा, जिसका नतीजा ये निकला कि शमी ने इनसे अलग रहने का फैसला किया, केस लड़ा, और काफ़ी गंभीर आरोप हसीन जहां ने भी शमी पर लगाए थे। लेकिन अब दोस्तों ये हाल है कि शमी अपनी क्रिकेट की दुनिया में काफ़ी व्यस्त है, प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी व्यस्त हैं, वहीं हसीन जहां भी अपने प्रोफेशनल लाइफ मॉडलिंग फिल्मी करियर पर ध्यान दे रही हैं। वो बात अलग है कि इसमें इतनी अभी इनको सुर्खियाँ नहीं मिली, इतनी चर्चाएँ नहीं बटोरी, लेकिन शमी की वजह से नाम इनको जुड़ा था, तो इनकी फैंस फॉलोइंग भी एक अलग लेवल पर नज़र आती है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।